हेलो मित्रों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं फ्री में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पवन सिंह जी और भोजपुरी जगत के सुपरस्टार अदाकारा, भोजपुरी जगत के क्वीन अक्षरा सिंह के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता है ये दोनों भोजपुरी के एक बड़े जोड़ी, नंबर वन जोड़ी, बेस्ट जोड़ी में जाते हैं। इनकी जोड़ी की चर्चाएं बैक टू बैक बहुत सारे फिल्में आ रही हैं, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हैं और इनकी जोड़ी को लव आइकन के रूप में देखा जाता है भोजपुरी जगत में। जी हाँ, आखिर ये जब अकेले होते हैं यानी शांत होते हैं, जब शूट ख़त्म हो जाता है तो अकेले जब साथ में बैठते हैं तो आखिर ये क्या करते हैं। जी हाँ, आपको बहुत बड़ी एक हैरानी वाला राज बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा पवन सिंह जी को थोड़े पढ़े लिखे कम हैं और उनको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में थोड़ा कम जानकारियाँ होते हैं क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं, इंग्लिश थोड़ा पढ़े। हरदम आप सबको बोलते हैं कि दर्शक ही मेरे भगवान हैं। जी हाँ, जब ये दोनों अकेले होते हैं तो पवन सिंह अक्षरा सिंह से कहते हैं कि चलो आप फिर से हमारे दर्शकों से लाइव वीडियो, लाइव चैटिंग या दर्शकों से थोड़ा बात करा दो। अक्षरा सिंह जी इनको फेसबुक, यूट्यूब आदि चलाना सिखाती हैं, कैसे क्या करते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो अपने दर्शकों से मिलने की कोशिश करते हैं लाइव वीडियो आके, अपने दर्शकों के कमेंट के कभी कभी रिप्लाई करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें बांटते हैं। जब ये लोग अकेले होते हैं तो आप सभी से मिलने के लिए पवन सिंह हरदम बेकरार रहते हैं और बहुत बार आपने देखा है जितने बार पवन सिंह लाइव आए हैं उनमें अक्षरा सिंह जी उनके साथ रहती है। इसका एक ही कारण है क्योंकि उनको ये YouTube लाइव कैसे होते हैं, Facebook लाइव कैसे होते हैं उनको नहीं पता है, इसलिए वो अक्षरा सिंह के साथ जब भी अकेले होते हैं, शूट ख़त्म हो जाता है शूटिंग करके या जब भी थोड़ा रेस्ट बीच में होता है तो अक्सर आप सबसे मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं और लाइव वीडियो आके आपसे जिस माध्यम से हो आप सबके बीच में लाइव आके बात करते हैं आपसे। तो आपको मेरा ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।